मेहता का उल्टा चश्मा शो काफी समय से चर्चाओं में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के मेकर्स को नए नट्टू काका मिल गए हैं। शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने पोस्ट शेयर कर दर्शकों को शो के नए नट्टू काका से परिचय कराया है। अब शो के नट्टू काका का किरदार एक्टर किरण भट्ट निभाएंगे। जी हाँ, तारक मेहता के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो के मेकर्स ने पोस्ट शेयर कर नए नट्टू काका की एक झलक दिखाई है। असित कुमार मोदी ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि आप सभी ने हमें और नट्टू काका को इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। यही प्यार हमेशा आगे बनाए रखना। इस बात पर पेश करते हैं हमारे नए नट्टू काका, मिलिए उनसे आज रात 8:30 बजे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शो तारक मेहता में नट्टू काका की भूमिका निभाने वाले घनश्याम नायक का साल 2021 में निधन हो गया था। वह पिछले 13 सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में नट्टू काका का किरदार निभा रहे थे। बता दें, घनश्याम नायक काफी समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। 3 अक्टूबर 2021 को घनश्याम नायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घनश्याम नायक न केवल दर्शकों के पसंदीदा थे, बल्कि बाकी कलाकार भी उन्हें बेहद प्यार करते थे। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दर्शक दया बैन की वापसी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिशा वकानी के शो छोड़ने के बाद मेकर्स दया बैन के किरदार के लिए सही रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हालांकि तारक मेहता के निर्माता ने बताया है कि दया बैन का किरदार निभाने के लिए किसी एक्ट्रेस की तलाश में लगे हुए हैं।